हे गाइस, वेलकम टू संजय का ब्लॉग। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, मैं सेंट जॉन सिटी में हूँ, कनाडा में, और आज मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जिसका नाम है रॉयल किंग। सो गाइस, वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे आज काफी अच्छा है, अच्छा यानी कि अभी की 1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पिछले दिनों से काफी सुधार हुआ है यहाँ के टेम्परेचर में। लेकिन पिछले वीक में काफी ठंडा था यहाँ पे, -20 और -30 डिग्री तक गया था। तो गाइस, आज मौसम भी अच्छा है और बाहर काफी सनी है यहाँ पे मौसम। तो आज हम जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और आपको बताएंगे कि सेंट जॉन सिटी में जो एक रॉयल किंग रेस्टोरेंट है, वहां पे कैसा खाना मिलता है। तो चलिए मेरे साथ आज जाते हैं रॉयल किंग रेस्टोरेंट में इंडियन खाना खाने के लिए, और मैं आपको बाहर का नजारा भी दिखाता हूँ कि किस तरह का है। +1 डिग्री होने के बावजूद बाहर काफी स्नो है अभी भी, तो मैं आपका बाहर का नजारा भी दिखाता हूँ। सो गाइज, ये बाहर का नजारा है, जैसे कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर, खिड़की के बाहर आप देख सकते हो, काफी सनी है आज, पूरा क्लियर स्काई है और काफी स्नो भी यहाँ पे जमी हुई है अभी भी। लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का अभी तापमान है, जो कि काफी अच्छा तापमान है आज। तो आज जाते हैं बाहर, और काफी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मैं अपने घर को सेट करने में उसमें लगा हुआ था, जहाँ पूरा सेटअप कर रहा था घर। एक अपार्टमेंट यहाँ पे रेंट पे लिया है सेंट जॉन में। मैं आगे के वीडियोस में आपको वो सब भी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे घर मिलते हैं और उसकी रेंट वगैरह भी क्या क्या होती है। तो चलिए मेरे साथ आज जाते हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रॉयल किंग में। सो गाइज, मैं अभी बाहर आ गया हूँ और अभी मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। सो टैक्सी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। सो ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अपार्टमेंट के बाहर किस तरह का, और ये यहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है, और ये आगे जाके यहाँ पे काफ़ी हाउसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, काफ़ी हाउसेज है यहाँ पे, और काफ़ी ढेर पड़ा हुआ है अभी भी बर्फ़ का। सो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आज काफ़ी सनी है यहाँ पे और टेम्परेचर भी कल सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम मुंबई वालों के लिए 1 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा है, लेकिन पिछले काफ़ी हफ्तों से काफ़ी टेम्परेचर नीचे गिर गया था, -25 -30 तक गिर गया था, अभी 1 काफ़ी कम लग रहा है। सो ये बाहर का नज़ारा है, और अब हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। जैसे टैक्सी आती है, हम उसमें बैठ के इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे। तो गाइस, कैब आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट की ओर। अंदर बैठते हैं उसमें। तो गाइस, अभी मैं रॉयल किंग रेस्टोरेंट के पास आ गया हूँ। ये रहा बाहर से रॉयल किंग टेस्ट ऑफ इंडिया, और ये वहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, और यहाँ से एंट्री है इसकी। तो अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं खाना रेस्टोरेंट कैसा है। सो ये अंदर की ओर आ गए अभी हम, और ये इनका एम्बियंस है, आप जैसा कि देख सकते हो। काफी बड़ा रेस्टोरेंट है ये, काफी पब्लिक भी आ जाई हुई है। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है, बहुत ही काफी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हमने छोले भटूरे ऑर्डर किया है एंड उस वेट कर रहे हैं अभी उसके लिए। यहाँ का मेनू है ये रॉयल किंग का, यहाँ का मैं मेनू को खोलता हूँ। सो ब्रेकफास्ट मेनू है यहाँ पे, मसाला डोसा, बटर चिकन, अमृतसरी कुलचा, चिकन कबाब, तंदूर की बहार, और काफ़ी कुछ यहाँ पे स्वाद की शुरुआत का एक दूसरा एक वेजिटेरियन स्टार्टर्स भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। वेज मेन कोर्स वगैरह भी है, चना मसाला, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, पनीर टिक्का, मटर मसाला, पालक पनीर, बहुत ही बढ़िया वेराइटीज़ है यहाँ पे। और ये ब्रेड और नान का सेक्शन है यहाँ पे, बिरयानी राइस का सेक्शन है यहाँ पे, सलाद और रायता, बेवरेजेस सब कुछ यहाँ पे है, और कॉम्बो मील का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन सारे कॉम्बो मील ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। गाइस, अभी ये छोले भटूरे आ गए हैं मेरे पास, और ये भटूरे है, बहुत ही गर्म है, और ये है छोले, और उसके साथ मुझे ये
चटनी वगैरह दी है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसका टेस्ट करता हूँ मैं, और भटूरे भी काफ़ी बड़े दिए उन्होंने, बहुत खूब। गाइस बहुत ही बढ़िया है ये जो मैं अभी खा रहा हूँ, ये छोले भटूरे आफ्टर सो लॉन्ग टाइम इज रियली रियली गुड, मस्ट ट्राई एट रॉयल किंग रेस्टोरेंट अप टाउन। बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे हैं, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस अभी मैंने खाना खाया छोले भटूरे, बहुत ही लाजवाब खाना था वो। ये आया हुआ है सेंट जॉन के, सेंट जॉन सिटी में जो कि अपटाउन में है, रॉयल किंग रेस्टोरेंट। जब भी आप यहाँ पे आए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके खाना खाइए, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। और जो कि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैंने सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही आज खाया है, लेकिन यहाँ पे जो छोले भटूरे और जो मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया नॉन वेजिटेरियन खाना भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ऑफकोर्स यू ट्राई नेवर रिग्रेट, बहुत ही बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया खाना खा के। गाइज मैं अभी रॉयल किंग रेस्टोरेंट से खाना खा के घर पे आ गया हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए अभी। तो गाइज ये अपटाउन में है सेंट जॉन सिटी में, मैंने उसकी लिंक उसका एड्रेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। सो गाइज होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे बहुत सारे वीडियोज़ कनाडा के आने वाले हैं जो मैं लगातार उस पर डालते रहूँगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।